तो फ्रेंड्स बच्चे यहाँ अपनी रीडिंग कर रहे हैं भाई, आरुष और आरुषी तो रीडिंग कर रही, जो कुछ होमवर्क भेज रखा फोन में। आरुष आप कहाँ चले बेटा, हो गया याद? कोई आ रहा उसे बाद में देखिए, पहले रीडिंग कर अपनी, लर्न कर। और नंदिनी ने देखो, नंदिनी ने देखो भाई कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई। इसकी ना किनारी वाली शेड्स दे रखे थे कलर, ये वाले किस कलर के हैं और कोई वाला कलर देख के इसमें करना था अलग अलग पार्ट में। तो देखो नंदिनी ने भाई कितने बढ़िया कलर करे, आपने करे ना ये? कौन कौन से कलर पहचान कर लो आप? पिंक, ब्राउन, येलो। पिंक कौन सा? पिंक येलो। ब्राउन कौन सा? येलो कौन सा? कोई नहीं आया। और ये कौन सा? ऑरेंज। ऑरेंज, अरे वाह पता, ग्रीन। पहचान है आपको तो, कितनी बढ़िया, कितना कितना बढ़िया किंगफिशर बनाया है इसने ये, ग्रे ब्लैक। और इतने बढ़िया कलर कर रखे, बस यहाँ थोड़ा सा बाहर निकला, नहीं तो और कहीं भी बाहर नहीं निकाल रखा। देखो कितने बढ़िया कलर करे नंदिनी ने। और उसी आप अपना याद करो बेटा, थोड़ा सा बाहर निकल गया था मेरे। अच्छा तो रबड़ ले लिया करो आप, रबर कर दिया करो। इरेजर थोड़े से को भी मिटा देख रहे हैं, सारा सही कर रहे हैं। चल बेटा उठा, अभी उठा अपनी आरुष, उधर ही बैठ। पापा जी, हाँ ओ भाई ये नाकाम करे, टूट जाएगा बैग। चल वहां बैठ अपनी कॉपी ले, याद कर जल्दी, चलो चलो। और इधर बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं भाई, यहाँ पर प्रीति ने बैग लगाना भी शुरू कर दिया। ट्राली बैग ये रखा, कुछ तो इसमें लगाओगे, और जो बच्चेंगे कपड़े ये पिट्ठू बैग में लगाओगे। क्या क्या रख दिए? आप ना रखो, आपकी मम्मी लगाओगी सब बैग। वो नहीं पता रहेगा कौन सी चीज कहाँ रखी, वही निकाल लेंगे फिर। बच्चों के कपड़े ये रख ले निकाल के अलमारी में से। कितने जोड़ी रखोगे? हमारे लगेंगे वहाँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 दिन लगेंगे वहाँ पे। एक दिन जाने का, एक आने का, और 4 दिन वहाँ रुकने के। और 6 दिन में कम से कम 6 जोड़े तो चाहिए यहाँ, और एक आधा एक्स्ट्रा ही चाहिए। बच्चों के कुछ नाइट सूट रख लियो, बच्चों के भी अपने भी, और हम भी रखेंगे कुछ लोअर टी शर्ट या कैपरी वगैरह। फ्रेंड्स बैग देखो, कपड़े लत्ते रख दिए इसमें, और नंदिनी भी हेल्प कर रही बैग में कपड़े रखवाने में। लेकिन हाँ जी, बंद तो आपकी मम्मी करेगी, इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। अच्छा इसमें शेर आ गया निकल के। कुछ और भी तो कह रहे थे आप, दूसरी बात क्या कह रहे थे? हाँ जी, नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो देखो भाई, आज बैग तो पैक कर ही रहे, कपड़े वपड़े लगा रहे इसमें, और मेरे भी रख लिए कपड़े, आ जाएंगे इसमें नहीं सारे आने के लिए, इतने ज़्यादा हो गए। चलो एक और बैग लेंगे। नंदिनी कह रही जब तक हमारी मिठाई ना बने, क्योंकि कपड़ों के अलावा और तैयारी करनी थी हमें, कुछ खाने पीने का सामान है, आ जाएंगे खाने पीने का सामान। और लेकिन इस तगड़ी बारिश के कारण मिठाइयाँ भी छत वाले चूल्हे पर बनानी पड़ी। बारिश तो तगड़ी हो रही भाई। आरुषी और पिताजी बारिश देख रहे हैं यहाँ बैठ के। अच्छा पिताजी तो खाना खा रहे हैं, आप खा रहे हैं या खा रही है आरुषी? मैं भी खा रहा हूँ। अच्छा मट्ठा, सूखी सब्जी, रोटी। बारिश देखो कितनी तगड़ी हो रही है भाई, पानी भर गया हमारे तो आंगन में, झमाझम बरस रहा खूब। और मिट्टी वाला चूल्हा जला के सोच रहे थे कुछ मिठाई बनाना, लेकिन बारिश की वजह से छत पर चूल्हा जलाना पड़ा। ये देखो नंदिनी को चैन बंद हो नहीं रही थी, बड़ा टाइटली हो रही थी, लेकिन इसे काम करने इतना माया आया इसे, चैन अपने आप ही। अभी सर रहने बेटा, कुछ और सामान रख के जब रखेंगे। यहाँ तो चूल्हा जलाने का डर रहा नहीं, और थारे आने पर पहले ही नंदिनी ने अपने आप चैन बंद कर दी। उधर जा लीजिए उस तरफ। क्या कह, क्या कह रही? ब्रुश भी रख लो कभी आपके दिमाग में ही ना, भूल जाओ कभी। कितनी होशियार है यार, बड़े वाला ट्रॉली बैग तो भाई कपड़ों कपड़ों से ही भर जाएगा। और अभी तो खाने का सामान एक बैग में तो शायद खाने का ही सामान हो जाएगा, क्योंकि मिठाइयाँ हैं दो तीन, और भाई बिस्किट है, नमकीन है, मखाने भून देंगे, इतना सारा सामान है। कितनी बनेगी? तीन। हम तो ही सोच रहे थे, हाँ जरूरत की सारी चीज़ें, टूथ ब्रश है, टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल है,
शैम्पू साबुन फेस वॉश सारी चीज़ें हैं, सब लेके चलना पड़ेगा भाई। बारिश तो और तेज ही होती जा रही है, ध्यान करके रख लो सारा सामान। कंघा और शीशा हो लेना, एक शीशा लेना छोटा सा। बारिश तो और भी तेजी होती जा रही है भाई, हमारे तो आंगन में यहाँ तक पानी भर गया देखो, और बाहर सड़क में भी पानी भरा हुआ है। कौन ठीक है लगा लो, ठीक है लगा लो। बारिश अभी बढ़ती जा रही है, पिताजी ने कह रहे तो वहाँ वाली ना हमने वो बाउंड्री बना रखी थोड़ी सी, वह नहीं तो बरामदे में पानी चला जाता अब तक तो। जूते धोए थे इसलिए कि सूख जाएंगे, इनसे ही काम चल जाएगा पुराने वालों से ही, लेकिन धूप कम निकली, बारिश ज़्यादा हुई तो पता नहीं सूखेंगे या नहीं। ये तो देख लो जो जो भी चीज़ें हैं खाने के उसका सामान, और बच्चों के लिए गिलास विलास है, घड़े बर्तन केतली वगैरह, कुछ चाय वाय लेनी पड़ जाए कहीं से। हाँ जी, आपकी मम्मी अपने आप बांध लेगी बेटा, यहाँ रख दो आप। अच्छा किया आपने, अच्छा किया। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर तैयारी तो हमने शाम को पुख्ता कर दी थी अपनी, एक तो बड़े वाला बैग लगा लिया था ट्रॉली बैग, और इस पिट्ठू बैग में हमने खाने का सारा सामान लगा लिया, यानी कि नमकीन बिस्किट मखाने भून लिए थे वे रखे, और बाकी सब्जी पूरी रख ली, मट्ठा खाना खाओ तो खा लो बेटा, मखाना अच्छा मखाना खाऊँ। तो नाश्ते में सब्जी पूरी बनाई थी, ये खा ली भाई, थोड़ा सा बच्चों ने बचा दिया, और कुछ पैक करके रख लिया हमने बैग में, इसमें बाकी और सारी चीज़ चार्जर पावर बैंक ईयरफोन सब चीज़ रख ली। हाँ जो कुछ भी लेना ले लो, खाना भी रख लिया इसमें हमने, और तैयारी लगभग पूरी होगी। सुबह सुबह बच्चों को नहला कर तैयार कर दिए, आरुषि और नंदनी को भी, और खुद भी तैयार हो गए हम लोग। चिंकी बहुत मिस करेंगे हम, चिंकी गुड्डू और आरुष को भी है, ठीक है याद करेंगे, फोन करते रहेंगे, फोन उठा लियो है। आरुष कहाँ है भाई, आरुष फोन करूँगा, फोन उठा लिए, बात कर रही है गुड्डू, फोन पर बात कर रहे हैं। नंदू तो अंदर ही है, तैयार नंदनी एक्साइटेड के मारे ना आज हमारे पास नहीं लग रही है, नहीं वो हमारे पास ही रहे हैं, आज उसे कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट होगी, जल्दी उठ गई थी आज तो सुबह भी। तो फ्रेंड्स बैग उठा लिया हमने, और चलो माँ जी पिताजी के पैर छू लें, अनुमति ले लें, बता तो रखा ही है ना पहले कहाँ जाना, माँ को तो वैसे भी पता था कि मिठाई बनवाई, पिताजी को बता ही दिया था, माँ ने तो मिठाई भी बनवाई, ना तो पता ही था कहाँ जाना। सुनील भैया छोड़ कर आऊँगा मैं, और बच्चे तो दोनों चले गए देखो गाड़ी के पास, बाकी दो बैग में सामान पैक हुआ हमारा, एक ट्राली बैग है और एक पिट्ठू बैग है, पर्स ले लिया बच्चों ने, हम ले लो ट्रोली बैग और पिट्ठू बैग मन ले लिया, बस यहीं तक जाना गाड़ी तक ही, गाड़ी में रखा जाएगा फिर तो सामान। पिताजी अच्छा अच्छा जी पीछे रखेंगे इसे तो, नहीं नीचे तो पहिए भाई कर दो चाचा जी को, पिताजी को कर दे, देख भी नहीं रही है तो इसके खेल में लग रही, चलो कर भाई, बोलो शंकर भगवान की जय। तो भाई रेडी हो गए, रेडी क्या निकल लिए बस गाड़ी में बैठ के, नंदनी आगे की सीट की शौकीन है और सबसे पहले आके बैठ गई थी इसमें, और उसी तक बीच वाली में बैठी, क्या कह रही है, बचा के चले गाड़ी को, बोली नंदू आपने तो अब बोल दो, बोलो जय महाकाल, चला जा। क्या? नंदू हाँ। अच्छा ये तो बता दो बेटा कहाँ जा रहे हैं आप घूमने, उज्जैन महाकाल, कहाँ जा रहे हैं आरुषि, उज्जैन महाकाल जा रहे हैं भाई घूमने के लिए, ट्रेन है हमारी मुजफ्फरनगर से, पहले नंदिनी ने एक दिन कंफ्यूज कर दिया था शिमला बता के, शिमला तो नहीं जा रहे,
शिमला तो कभी जब आरुषि एक साल की थी तब गए थे हम घूमने, तो फोन में फोटो देखो जाए बच्चे। नंदनी ने सोचा शिमला ही जा रहे हैं घूमने। अच्छा, और वहाँ क्या बनाया जाएगा? उज्जैन महाकाल पे पूजा करी जाएगी। हाँ वहाँ तो प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद चढ़ाया जाएगा, हाथ जोड़े जाएंगे, सिर झुकाया जाएगा, मत्था टेका जाएगा, और प्रसाद चढ़ाया जाएगा। हाँ बर्फ नहीं है वहाँ से, कभी नहीं सोच रहे बर्फ में घूमने जा रहे? नहीं मुझे मैं बर्फ में तो मेरे जुकाम हो जाएगा, बर्फ में तो इसको जुकाम हो जाएगा। स्टेशन के पास पहुँच गए हम लोग, पार्किंग में अभी गाड़ी पहले पार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स स्टेशन पर बैठे हैं अभी, अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, नई वाली है, टाइम 10:45 हो गए और 10:45 में हमारी ट्रेन है, देवबंद से चल पड़ी, बस पहुँचने वाली है थोड़ी देर में। हाँ ये बी टू है, तो फ्रेंड्स ये हमारा कोच है बी टू, और इसमें बी टू में सीट नंबर 30 और 32 है हमारी। ये वाला गेट खुला नहीं है, चलो अगले वाले से चलेंगे। भैया ने एक बैग उठा लिया और एक ट्राली बैग मैंने ले लिया, यू जस क्या बोल, 57 से 64-65 से 72 तो इसमें ही है, 30 और 32 हम से चाहिए हैं। बाड़ों का ध्यान रखिए, ठीक है भाई, और बढ़िया सी सेफ सी जगह जो है वो ठहर लियो, ठीक है बाय। देख बाय कर रहे हैं तेरे पापा, चलो पीछे जाना, 30 और 32 सीट है हमारी। बाय बाय, तेरे पापा कहाँ हैं? वे तो पीछे हैं, चलो बाय कर दो और चलेंगे भाई। पहले बाय तो करो अपने पापा को, वो देख नहीं रहे। सामने ही रुकी, हाँ बोल दो जय महाकाल, बाय करके जा लिए, बाय बाय करके शी ऑफ करके जा लिए तेरे बड़े मम्मी पापा हैं, और ट्रेन में चल गई हमारी। अरे भाई इसमें तो झूलना भी शुरू कर दिया भाई, बस छोटी वाली को झूल लेने तो तू रहने दे हर उसी भाई, हर उसी तुम तो बहुत जल्दी हो रही थी ना, ट्रेन कब को आएगी, ट्रेन कब को आएगी, आ गई ट्रेन, अब ट्रेन में बैठे बैठे थक जाओगे क्योंकि कल सुबह तक पहुंचना है, कल सुबह तक ऐसे ही बैठे रहना, यही पर बाथरूम लेटरिन सब यही चीज़ है, और खाना पीना सब बैग में, साबुन से हाथ धोइए और खाइए है क्यों भाई नंदनी, फ्रेश उधर है उधर जाके, ठीक है जब आओगी बता दिए हैं। क्या नींद आ रही तुझे? भी नींद आ रही तो ऊपरली सीट है अपनी, जाओ लेट चलो, चलो आप सीट देखो कैसे चढ़ोगे, आपको तो मैं ऐसे ही चढ़ा दूंगा, आर उसी से भी पहले ही डर लगे तो चढ़ नहीं गया, नहीं गया तेरे भी चढ़ गया, चलो मैं चढ़ा। अच्छा जो चढ़ा दो, लेट तो जाओगे फिर नीचे तो नहीं उतरो, तो यहीं बैठे और बाहर का नजारा देखेगी भाई, देखो कैसा खेत होगा, हरे भरे खेत हैं, चला जा चढ़ा। क्या कह रही नंदू, इतने बड़े बच्चे को डर लग रहा ऊपर ऊपर जाते हुए। अरे आपके जितने बच्चे तो छत की ऊंचाई में नहीं, ऊपरली सीट पे चढ़ जाओ बस, छत की ऊंचाई में कोई नहीं जाता, नहीं पता लगता ट्रेन चल रही है नहीं। आप झूल लिए, आपको तो घर जैसा झूला यहाँ भी मिल गया, घर रस्सी के झूले में झूलो, यहाँ इसमें गैलरी में झूल रहे बच्चे, जो मीठा लेकर आए थे वो तो खा नहीं रहे, मीठा तो कौन ही खा रहे, नमकीन को ज्यादा जी कर रहा है इनका, इसने तो खा लिया लौकी वाली लोज खा ली इसने, और लड्डू भी खाए, हाँ ऊपर रेस्ट कर रही थी और उसी तो फिर नीचे आ गई, चिप्स वाला आया तो दोनों ने चिप्स लिए, नमकीन चिप्स खा रहे दोनों। जब शुरू करेंगे नहीं मखाना खाने तो मखानों को भी खत्म कर देंगे थोड़ी देर में बच्चे, तो ठीक है आराम से बैठे रही हो, तो ऊपर वाली बर्थ पे बैठ गए बच्चे तो, और हम लोग नीचे बैठे भाई, भगवान वाला गेम खेल दे इसमें, कृष्ण वाला।
ठीक है, देख लो थोड़ी देर और कैसे टाइम कटोगे तुम। ट्रेन में 17 घंटे का सफर है तारा, सो भी लिए, खा भी लिए, बैठ भी लिए, फोन देख लो। तो फ्रेंड्स निकले तो हैं भाई टूर पे, लेकिन बाहर का मौसम देखो, बारिश है बहुत ज़्यादा बाहर। रात का टाइम है और बाहर की तरफ तो बारिश और भी भयंकर हो रही है। जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जा रहे बारिश भी बढ़ती जा रही है। नंदिनी ऊपर बैठ कर खा रही है भाई, और मखाने खाओगे लौकी की लोज नीचे आ गई खाओ, चलो यहीं बैठ के जैसे अरुषि खा रही है, अरुषि खा रही है लौकी की लोज और लौकी की लोज और मखाने खोल रखे हमने भाई। बच्चे को जो कुछ खाना होगा खा लेंगे, हैं मखाने दो भाई, मखाने खाओगी नंदू तो कटोरी में करवा दे दे। अच्छा आप लोग मिठाई लो, सुल्लो करके रखो यहाँ जी, ठीक है, पैर ऊपर करके खा लो वहाँ को बैठ के। और उसी सब्जी रोटी भी खा गए क्या? चलो पहले मीठा खा लो बाद में खा लो रोटी सब्जी, एक पीस ले लूँगा मैं बस, थैंक यू। फिर बाद में मीठा खाएंगे, हाँ खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद तो होगी, ठीक है दवाई ले ली बाद में। हाँ खाना लेके चले थे हम, पूड़ी और सब्जी और मट्ठा, तो बच्चों को भी खिला दिया हमने, बच्चे दोनों अब तो खेल रहे और हम लोगों ने भी खा लिया। तो भाई सामान फिलहाल अभी इतना सारा बच भी गया है, मिठाई तो खैर कई दिन तक चलेगी, ये मट्ठा भी काफ़ी बच रहा और पूड़ियाँ बच गई, सब्जी तो सर सुबह तक मैं ठीक रहे हुए बढ़िया है। चलो तो माता जी ने खाना दे दिया था, शाम का तो हो गया खाना, अब सुबह देखी जाएगी भाई, सुबह हाँ सुबह कुछ ताज़ा नाश्ता करेंगे। फिलहाल अभी अपना बच्चा कुछ सामान सारा पैक करके रख देते हैं। भोले बाबा ने बुला तो लिया अपने धाम पे, बाकी वहाँ बारिश में क्या होगा वहाँ जाके देखा जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा दिन भर अगर बारिश चलती रही तो वहाँ घूमेंगे दर्शन करेंगे कैसे भला। जब उन्होंने यहाँ तक बुलाया आगे भी अपने चलो बाबा का नाम लो, बोलो जय महाकालेश्वर बाबा की जय।